एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। उद्योग एक शब्द जो सुनते ही नजर आती है विराट फैक्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने और दिन रात चलती मशीनें, लेकिन उनसे भी पहले नजर आता है एक राज्य, गुजरात। देश में सबसे उत्तम रेल, रोड, एयर कनेक्टिविटी और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज के साथ औद्योगिक विकास के चक्र को गतिमान रखने वाले इस राज्य को जीआईडीसी बनाता है विश्व के लिए भारत का प्रवेश द्वार। वर्तमान के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी भूमि से की थी एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में विश्वास से विकास की यात्रा में होगा एक नई ऊर्जा का संचार, औद्योगिक विकास के नए आयाम। आज भारत के कुल फार्मास्यूटिकल आयात में बल्क ड्रग्स इंपोर्टेड एपीआईज की हिस्सेदारी 63% है। आयात पर निर्भरता घटाने के लिए तथा बल्क ड्रग्स के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए और बल्क ड्रग्स के उत्पादन में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ लिया बल्क ड्रग पार्क के निर्माण का निर्णय। गर्व की बात है कि आज देश में बल्क ड्रग पार्क की अनुमति पाने वाले 3 राज्यों में से एक है गुजरात। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भरूच जिले के जंबूसर तालुका में 2015.02 एकड़ के विस्तार में निर्मित किया जाएगा एक बल्क ड्रग पार्क। इस आयोजन के तहत जरूरी बुनियादी सुविधाओं के साथ सीईटीपी, कॉमन बॉयलर, टेस्टिंग लैब्स इत्यादि जैसी विशिष्ट सुविधाओं का भी होगा प्रावधान। लगभग 2,506 करोड़ रुपयों की लागत से आकार लेने वाले इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार ने किया है 1,000 करोड़ रुपयों का आवंटन। आज दहेज का एसईजेड पीसीपीआईआर और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बहुत ही वाइब्रेंट औद्योगिक स्थल बन चुका है। एक ऐसे शिशु की तरह जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने उसको फलता फूलता बढ़ता हुआ देखा है। आज उन्हीं के द्वारा चिन्हित मार्ग पर चलकर इस विस्तार में स्थित उद्योगों की प्रक्रिया से निकलते अपशिष्ट की जिम्मेदारी पूर्वक निपटान का भी हो रहा है आयोजन। सायखा औद्योगिक क्षेत्र से 90 MLD की 45 किलोमीटर लंबी 2 पाइपलाइनें और दहेज पंपिंग स्टेशन से 1000 मिलीमीटर व्यास की 4.25 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाकर समंदर के अंदर तक पहुंचाया जाएगा अपशिष्ट को। जीआईडीसी द्वारा 558 करोड़ की लागत से होगा इस आयोजन का क्रियान्वयन। छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और बड़े उद्योगों के साथ उनका व्यापार बढ़े, इस उद्देश्य के साथ जीआईडीसी द्वारा 30 करोड़ रुपयों की लागत से अंकलेश्वर और पनोली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाएगा मल्टी लेवल शेड का निर्माण। प्रकृति की गोद में बसते हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में खुलेंगे प्रगति के द्वार, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बढ़ेगी इस विस्तार की उन्नति। गुजरात में छोटा उदयपुर जिले में बनार गांव, दाहोद जिले में चाकलिया और पाली गांव, बनासकांठा जिले में अमीरगढ़ गांव और भरूच जिले के दोंदवाड़ा गांव में स्थापित किए जाएंगे ट्राइबल पार्क्स। इतना ही नहीं, गुजरात में श्वेत क्रांति के वाहक जिले बनासकांठा के मुडेठा गांव में 54 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होगी एग्रो पार्क्स की स्थापना। आज गुजरात का 1600 किलोमीटर समुद्र तट बना है मत्स्य उद्योग और औद्योगिक विकास की जीवन रेखा। राज्य में सी फूड से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को बल देने के लिए जीआईडीसी द्वारा वलसाड जिले के ककवाड़ी दांती गांव में 35 हेक्टेयर क्षेत्रफल के विस्तार में होगा सी फूड पार्क का निर्माण। साथ ही में GACL यानी कि गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े हैं कदम। कॉस्टिक सोडा प्लांट की क्षमता का हुआ है विस्तार। 550 करोड़ रुपयों की लागत से 1.73 लाख मेट्रिक टन तक क्षमता का विस्तार।
850 करोड़ रुपयों की लागत से 1.05 लाख मेट्रिक टन क्षमता वाले क्लोरोमीथेन प्लांट का लोकार्पण तथा 405 करोड़ रुपयों की लागत से 10,000 मेट्रिक टन क्षमता वाले हाइड्रोजीन हाइड्रेट प्लांट का हुआ है निर्माण। और तो और, GACL और नैल्को के संयुक्त प्रयासों से 2,300 करोड़ रुपयों की लागत से 800 TPD क्षमता वाले कॉस्टिक सोडा प्लांट और 130 मेगावाट क्षमता से सुसज्ज कोल बेस्ड पावर प्लांट का लोकार्पण होने जा रहा है। आज अंकलेश्वर में निर्माण होगा एक नए एयरपोर्ट का। 2,135 मीटर का ये रनवे लाएगा अंकलेश्वर के लिए एक नई उड़ान। साथ ही में दहेज से लेकर कोयली तक 106 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा लोकार्पण होने जा रहा है। भरूच भूगर्भ ड्रेनेज और STP का 117.53 करोड़ रुपयों की लागत से हो रहा है लोकार्पण। साथ ही में उमला असा पनेठा रोड का भी हो रहा है लोकार्पण। कुल मिलाकर 8,200 करोड़ रुपयों की भागीरथी राशि से होने वाले इन विकास कार्यों का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से खाद मूर्त और लोकार्पण होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार औद्योगिक विकास की कर्णधार।